सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा 250-300 साल पुराने तीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। यार पैर जूता ले लेके छोड़ रहा। शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। शाम को तो नंबर वो लाइन खींची 10 बजे तो तोड़ फोड़ लगा दी। हमें कुछ नहीं दिया नोटिस वगैरह, मूर्ति वगैरह को सबको तोड़ के नाले में फेंक दिया। उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत भाजपा की सरकार थी, उस सरकार के समय शुरू हुई। मंदिर को तोड़ दिया गया और विपक्ष के नेता शांत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी दिल्ली की जहांगीरपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का बवाल थमा नहीं कि राजस्थान के अलवर से मंदिर पर बुलडोजर चलाने की खबर आने लगी है। हालांकि अलवर में मंदिर पर बुलडोजर पहले चले थे, लेकिन खबर अब आई है। आपको बता दें, आरोप यह है कि तीन पुराने मंदिरों को बुलडोजर से जमीन दोस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। पेच इसलिए फंस गया क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जहां कार्रवाई हुई वहां नगर पालिका पर बीजेपी काबिज है और ये अब तक साफ नहीं है कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई, यानी बुलडोजर किसके ऑर्डर से चला। तो इसी मुद्दे से जुड़ा मेरा आज का सवाल है, क्या राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP News पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस से मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद वंसल भी हमारे साथ मौजूद हैं और इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के संस्थापक हैं शोएब जामई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी खास रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे अरवल के राजगढ़ में तीन तीन मंदिर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। तीन दो एक और ये गिराया मंदिर शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। दिल्ली के बाद राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन में आ गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये कार्रवाई मंदिरों पर हुई है। फिर से देखिए कि कैसे जिस मंदिर पर आस्था की विजय पताका लहरा रही थी उसे पल भर में खाक में मिला दिया गया। शिव जी का वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। अतिक्रमण हटाने के नाम पर यह बुलडोजर गिरी राजस्थान के अलवर में हुई है। जिले के राजगढ़ नगर पालिका में ऐसे एक या दो नहीं बल्कि तीन मंदिरों को प्रशासन ने तोड़ दिया है। दावा है कि ये मंदिर कुछ 300 साल पुराने थे। अभी भी खड़े नहीं ले भोले बाबा, यार पैर जूता ले लेके छोड़ रहा है। कंधे में नसीब नहीं होगा साले, ले जान दो, ले जान दो ना सीन कोई हो। जय भोले बाबा की। कार्रवाई की ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एमसीडी के अतिक्रमण अभियान पर विवाद हो रहा है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगे थे कि बुलडोजर समुदाय विशेष के खिलाफ चले हैं, लेकिन राजस्थान में मंदिरों को ढाए जाने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। कह रही है कि जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाना ही कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। तीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, गुंबदों को नीचे गिरा दिया। आस्था और अतिक्रमण का मुद्दा बीजेपी को फिर से आमने सामने ले आया है और इसमें पिस रही है जनता, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ तीन मंदिरों पर नहीं बल्कि इलाके की 85 दुकानों और मकानों पर भी चला है। कुछ दुकानें तो ऐसी थी जिन्हें सरकार की तरफ से ही अलॉट किया गया था, लेकिन कार्रवाई के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए हैं। दो राजनीतिक दलों के भेंट में राजगढ़ को भानगढ़ बना दिया गया है। विरोध करते हैं तो मारते हैं, मार के करे गाड़ी में डाल दो इनको। आज अवैध बताकर बिना किसी
जानकारी सबूत के हमसे दस्तावेज नहीं मांगे इन्होंने और डायरेक्ट इन्होंने तोड़ दिया, तीन मंजिल की बिल्डिंग तोड़ दी, यहाँ तक कि प्राचीन 250 साल पुराने मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। मामला बीते 5 दिनों से शांत था, लेकिन अब सियासी शोर होगा। कल जहांगीरपुरी में जैसे कांग्रेस नेता अधमके थे, अब बीजेपी भी अलवर में कुछ वैसा ही करने की तैयारी में है। अलवर से नीरज पांडे की रिपोर्ट। पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है, सीधे मेहमानों का मैं रुख करना चाहूंगा। और आलोक शर्मा जी, पहला सवाल आपसे, चूंकि राजस्थान में आप लोगों की सरकार है, मंदिर पर बुलडोजर किसके आदेश से चला? 2018 में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब ये ऑर्डर पास हुआ, ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का वहां का राजगढ़ का चिट्ठी है कलेक्टर के नाम 2018 में कि इसको जल्द से जल्द इस पोर्शन को क्लियर किया जाए, ऑर्डर उस समय पर हुए। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, बोर्ड में 35 मेंबर हैं, 35 में से 34 बीजेपी के हैं, सर्वसम्मति से बोर्ड में फैसला पास हुआ। सतीश दुहारिया इनके चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 12/4/2022 ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर की कॉपी है, तीनों चारों ऑर्डर नगर पालिका के हैं, एक भी राजस्थान सरकार का ऑर्डर नहीं। किसके ऑर्डर से गिरा है ये पूरी तरह से स्पष्ट है, ये 19/4/2022। जी आलोक जी, सवाल ये है कि क्या ऐसे में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले के शर्मा जी, आपने सुना आलोक शर्मा जी को, सीधे तौर पर आप लोगों के पाले में गेंद डाल रहे हैं। आप फैक्ट नहीं पूछना चाहते, मैं आपने सवाल पूछा तो उत्तर सुनिए। आप आधा 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। कनेक्शन आपका कट गया था आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी कनेक्शन टूट गया था आपका, इसलिए आपकी बात नहीं आई थी। धैर्य रखिए, सब्र बनाकर रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा, अपनी बात रखिएगा। के शर्मा को बोलने दीजिए। देखिए मैं 30 सेकंड, आवाज नहीं आ रही है आलोक शर्मा, ये झूठ जो परोस रहे हैं ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे नहीं सुन पा रहा हूँ, कुछ दिक्कत है शायद, मैं कोशिश करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करूंगा। के शर्मा को बोलने दीजिए। हाँ हाँ, देखिए ये पूरी तरह से किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, दस्तावेज भी गलत बता रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता से बताता हूँ कि और पूरे दस्तावेज के साथ बताता हूँ। ये आनंद जी, ये नगर पालिका का जो है प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव पारित किया गया था 17 सितंबर 2021 को, जिसमें एक गौरव पथ बनाने की बात हुई थी कि एक गौरव पथ का निर्माण होगा। यही मास्टर प्लान का हिस्सा भी 2018 में था कि एक गौरव पथ बनाया जाएगा, जिसमें कहा गया था कि कुछ अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। बिल्कुल सही, ये प्रस्ताव पर भी पारित किया गया और ये बकायदा कंडिका 2 में उल्लेखित है कि इसमें, लेकिन इसमें मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि जब उसको मैंने काम 2021 के बाद जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वहाँ काम चालू करने गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोगों को मुआवजा देना है, बहुत सारी बातें करनी है, तब देखा गया कि उसमें मंदिर भी है। इस कारण से ये फिर 8 फरवरी 2022 यही ये भी नगर पालिका का प्रस्ताव है, जिसमें ये कहा गया कि ये चौड़ीकरण जो सड़क का है 60 फीट जो करना था उसको जो है मंदिर को ध्यान में रखते हुए कि 60 फीट की जगह इसको 30 फीट कर दिया जाए। ये प्रस्ताव में पढ़ इसकी एक लाइन पढ़ देता हूँ, मास्टर प्लान में संशोधन कर इस बैठक की इस सड़क की चौड़ाई 30 फीट की जानी चाहिए। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गोल चक्कर से भवानी सहाय की मूर्ति तक सड़क की चौड़ाई 60 फीट के स्थान पर 30 फीट किए जाने एवं इस बाबत मास्टर प्लान में संशोधन हेतु विभाग को विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। ये नगर निगम के द्वारा फिर से वो किया गया, ये फरवरी। आप मुझे ये बताइए ना, के शर्मा जी सुनिए, उन्होंने क्या किया, सुनिए मुझे ये बताइए कि जो बुलडोजर चला है मंदिर के ऊपर वो किसके आदेश पर चला है, किस अधिकारी के कहने पर चला, ये बताइए आप। देखिए आप जब अतिक्रमण हटता है, अतिक्रमण हटाया जाता है और उसके निर्माण होते हैं, उसे करने के लिए भी एक कलेक्टर का ही है, मैं आपको स्टेटमेंट आज जो है प्रेस नोट पढ़ देता हूँ। ये प्रेस नोट में वो लिखते हैं उपखंड अधिकारी राजगढ़। उपखंड अधिकारी किसके अंतर्गत आएगा, ये नगर निगम के नीचे उपखंड अधिकारी होता है। जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी, जब अतिक्रमण हटता है तो वहाँ डीएम होते हैं। ये कह रहे हैं आलोक शर्मा जी, पुलिस के अधिकारी के आदेश पर ये सब कुछ हुआ है, डीएम वहाँ राज्य सरकार के अधीन होता है।
ये उसका प्रेस नोट है, पढ़िए प्रेस नोट। ये कलेक्टर के वहाँ का नीचे शिव प्रसाद एम नकाते जिला कलेक्टर अलवर। बोलने दीजिए आलोक शर्मा, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तीन मंदिर नाम बता दीजिए आप अखिलेश आनंद जी। मंदिर दो थे, दो में से एक गिरा है जो कि नाले के ऊपर था, और गिराया किसके आदेश से है? मेरे पास ये आदेश की कॉपियां हैं। एसडीएम से क्या मांगा गया? एसडीएम से केवल पुलिस फोर्स मांगी गई, क्या ये सच नहीं? गलत है। ये किसका लेटर है बताइए जरा, किसका आदेश का लेटर है बताइए किसका है? नगर पालिका मंडल अध्यक्ष के कहने से जो है आप ऑर्डर, वो डीएम काम करेगा, मंडल अध्यक्ष के कहने से डीएम काम करता है? ये किसको सिखा रहे हो आप? मास्टर प्लान नगर निगम का लेटर है, ये किसको सिखा रहे हो आप? आप लोग बेवकूफ। मैं एबीपी न्यूज से पूछना चाहता हूं, मंदिर गिराने की बात थोड़ी ना की गई? अरे गौरव पथ की बात है ना, मंदिर गिराने की बात थोड़ी ना की थी? गौरव पथ का निर्माण था, सड़क बनाने की बात थी, मंदिर गिराने की? आप मंदिर पे बुलडोजर चला दीजिए, नहीं तो मूर्तियों को जो है आरी से काटो, मूर्तियों को अंग भंग करो, इसके लिए आपको कहा गया था? आप जो बारी बारी से बोलिए, मुझे लगा चुकी है आलोक जी, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी क्योंकि आप स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं, तो अगर जब दो लोग एक साथ बोलेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगी बात, आपकी बात अधूरी रह जा रही है, हम लोग सुन नहीं पा रहे। आलोक जी आप पहले बोल लीजिए, पहले आप आलोक जी बोल लीजिए, बाकी मेहमानों के पास उसके बाद में जाता। आलोक शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैंने आपको एक एक चीज दिखाई, 2018 के आदेश थे, सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। उसके बाद ये 2022 के सारे लेटर लेके बैठा हूं मैं, किसका आदेश है? कार्यालय नगर पालिका राजगढ़, मेजोरिटी किसकी है? बीजेपी की। इन्होंने केवल एसडीएम से फोर्स मांगी, एसडीएम फोर्स देने के लिए बाध्य है, एसडीएम ने जो फोर्स मांगी है ये रेजोल्यूशन है नगर पालिका का, 36 मेंबर्स के साइन है, 36 में से 34 जो है भाजपा के, ठीक है, और कांग्रेस ने उसका मंदिर गिरा दिया। पहला बात हो गई। दूसरी चीज, आप एक मिनट अखिलेश जी, पूरा मीडिया ने बिल्कुल गदर बता रखा। तीन मंदिर आप लोगों ने बताए, एबीपी न्यूज ने तीन मंदिर का मुझे नाम बताइए। मंदिर दो थे, एक का केवल बाहर का पोर्शन हटा है, मैं जबकि बीजेपी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूं। दूसरे में जो हुआ है वो नाले के ऊपर था और उसका आरसीसी का स्ट्रक्चर है, राठी टोर का सरिया लगा उसके अंदर, राठी टोर का 300 साल पहले आरसीसी के स्ट्रक्चर होते थे क्या? बिल्कुल सबके अकल पर बुद्धि पर ताले पड़ गए। जवाब दीजिए केके शर्मा जी, किसने कराई? केके शर्मा जी जवाब दीजिए, आलोक शर्मा जो कह रहे हैं। वैसे आलोक शर्मा जी मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान है कि दो मंदिर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दो मंदिर का उल्लेख किया है। जी केके शर्मा बोलिए। देखिए मैं आपको बता दूं दो मंदिर कौन थे। एक बिल्कुल आलोक जी एक बात अब इनको बंद करेंगे ना, आलोक जी ठीक कह रहे हैं। एक 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 मंदिर नाले के ऊपर था, सुनिए भैया नाले के ऊपर है। आलोक जी काहे को इतना गर्म हो रहे हो, मुगलों की तरह व्यवहार कर रहे हो यार, है शर्म भी नहीं आ रही है? हिंदू हो मूर्तियों पे आरी चलवा के, और कहते हो कि हिंदू है हम, मूर्ति पूजा उसको कर रहे हो? सर्टिफिकेट चाहिए। सुन लीजिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं हिंदू पूछ रहा हूँ, मैं उसका कारण बता दूंगा अभी मैं। मुझे पता है ये आपको इतना भी आपके अंदर नहीं है। चलिए मैं बाकी मेहमानों का रुख करना चाहूंगा, अखिलेश जी मैं आपको जल्दी से, केके शर्मा जी अपनी बात आप जल्दी से पूरी कीजिए, मेरे साथ दो और मेहमान ने कहा वहाँ दो मंदिर थे बिल्कुल, एक कलेक्टर ने खुद अपने प्रेस नोट में लिखा है कि वहाँ दो मंदिर है, दो मंदिर में एक मंदिर जो नया बना हुआ है वो नाले के ऊपर था, उसको आपने गिराया। अरे आलोक शर्मा जी एक मिनट चुप हो जाइए सर, मैं आऊंगा आपके पास, जब आप कह रहे थे तो बाकियों को मैंने शांत करवाया था ना, अभी चुप हो जाइए, आता हूँ मैं आपके पास। केके शर्मा जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। लेकिन जो दूसरा शिवालय था, शिवालय 250-300 साल पुराना है, जब तो कांग्रेस पैदा भी नहीं हुई थी, यहाँ देश में मुगलों का शासन था उस समय, कौन सा इसको आप आज अतिक्रमण का हिस्सा बता रहे, कैसे आप बता सकते? केवल ये था कि उसी मंदिर को बचाने के लिए 60 फीट की सड़क को 30 फीट किया गया, और उसका प्रस्ताव जो है बकायदा नगर निगम ने पारित करके दिया इसी फरवरी में,
इसी फरवरी में दिया। आपने इस प्रस्ताव को जो है कूड़े के ढेर में डाल दिया नगर निगम के, और पहले के प्रस्ताव को आप जो है आप हिस्सा बनाए, और अतिक्रमण हटाने के लिए आपने बुलडोजर पीडब्ल्यूडी इसमें बकायदा। चलिए मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, शोएब जमई का मैं रुख करना चाहूंगा, उसके बाद विनोद बंसल जी आपके पास में आता हूँ। शोएब जमई, ये बताइए मुझे जरा, जब दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो यहाँ तक बातें कह दी गई कि देश ही खतरे में आ गया है। अब मुझे बताइए कि जब शिवालय पर लोग जूते पहनकर चढ़ रहे थे, मूर्तियों को खंडित किया गया, क्या उसकी आलोचना करेंगे आप? देखिए अखिलेश जी, जब खरगोन में कहा गया कि भाई ये सब अवैध मकान है, हम ढा देंगे, उखाड़ देंगे, तो रोते क्यों हैं आप? जब जहांगीरपुरी में कहा कि ये इंक्रोचमेंट है, मस्जिद क्या सब कुछ ढा देंगे, मस्जिद में भी ढा दिया। हमने जब पूछा कि इंक्रोचमेंट है तो मंदिर अगर होगी तो वहां भी चला देंगे। परसों ही बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं ने कहा, एक मिनट शोएब जमई, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं। जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई मस्जिद के आसपास, मस्जिद पर नहीं, ठीक है, यहां मंदिर को ढहा गया है। ये झूठ बोले मस्जिद में भी यहां से जहांगीरपुरी कोई मस्जिद नहीं ढाई गई वहां पर, कोई मस्जिद के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। पूरी में मस्जिद पे बुलडोजर नहीं, मस्जिद पे बुलडोजर कहाँ चला है भाई? झूठ कितना बोलते हैं भाई। शोएब जमई जी, आपने कौन सा वीडियो देख लिया? करते हैं मस्जिद के क्या झूठ बोल रहे हैं? टूटा कौन सा? विनोद बंसल जी एबीपी न्यूज का। विनोद बंसल जी जरा मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जब जहांगीरपुरी में हो रही थी, यहां तो मंदिर पर बुलडोजर चल गया, अब क्या इस तरीके के बयान नहीं आने चाहिए कि देश खतरे में है और तमाम तरह की बातें जो तब कही जा रही थी? अपनी बात पूरी कर लूं क्या? बात पूरी कीजिए लेकिन फैक्ट्स बताइए ना। आपने मस्जिद में बुलडोजर चला, कहां मस्जिद पर बुलडोजर चला जहांगीरपुरी में? आलोक जी ने, विनोद बंसल जी, आलोक जी ने मैं दिखा दूंगा अभी आपको। आलोक जी ने तीन मंदिरों की बात करी, मेरे पास राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट है और इसमें सीधे सीधे साफ साफ लिखा हुआ है तीन शिव मंदिर थे। और ये कांग्रेस सिर्फ जो है ना वो जो डीएम के झुंझुने को लेकर घूम रही है, मेरी समझ में नहीं आता। आखिरकार देखो मंदिर एक था, दो था, तीन था, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दो तीन के चक्कर में ये मेन मुद्दे को डिरेल करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए अगले जी, जरा इनका वॉल्यूम थोड़ा डाउन करें तो बात बने। बोलिए विनोद बंसल जी, आप ही बोलिए, आपकी बात सुन रहा हूं, मेरी बात नहीं सुन पा रहे क्या फायदा? अखिलेश जी मैं कहता हूँ, देखिए मंदिर दो तीन के चक्कर में डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं और दूसरा डेट और लेटर को चक्कर में भड़काना चाहते हैं, लेकिन हिंदू समाज तीन प्रश्न पूछना चाहता है। देखिए विकास के लिए मंदिरों को तोड़ना कोई मना नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से तोड़ा जाएगा? मंदिरों को बिना बताए तोड़ा जाएगा, जूते पहन के तोड़ा जाएगा, और शिवालय पर आरी चलाई जाएगी और कील लगा करके तोड़ा जाएगा और मूर्तियों को खंडित करके और बाहर तसले में भर के फेंका जाएगा? अरे शर्म आनी चाहिए, ये कांग्रेस की सब यात्रा निकलेगी, कांग्रेस की सब यात्रा निकलेगी। अखिलेश जी मैं दावा कर रहा हूँ आज, यही राजस्थान के लोग जो है ना ये कांग्रेस की सब यात्रा निकालेंगे राजस्थान के अंदर। जिस तरह से इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त किया है, जिस तरह से मूर्तियों को खंडित किया है, जिस तरह से मूर्तियों को ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए, विनोद बंसल जो कह रहे हैं और बीजेपी के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना यही आप लोगों का सेकुलरिज्म है। मुझे लगता है कि कभी तो एबीपी न्यूज भी फैक्ट चेक कर, राहुल गांधी वहां से कलेक्टर की रिपोर्ट आप मानेंगे कि नहीं? अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। एक मंदिर टूटा, दो मंदिर टूटा, तीन मंदिर टूटा, कहाँ फंस गए उस चीज में? मंदिरों पर बुलडोजर चला ये हकीकत है, ये फैक्ट है, सबको पता है। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना आप लोगों का सेकुलरिज्म है, उसका जवाब दीजिए ना, क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? किसका था? मंदिरों को किस डिपार्टमेंट का था? पारी चलाना था क्या? वो मूर्तियों को खंडित करना जरूरी था क्या? घर घर ये बता दीजिए आप, बताइए मंदिरों को तोड़ने के लिए जरूरी है क्या? किसका था? अरे किसका नोटिस किसने निकाला था? देखिए मेरी एक मजबूरी है, सुनिए आप सभी लोगों को मैं बोल दूं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, समझिए जरा इस बात को। जब स्काइप पर हम लोग बात कर रहे होते हैं आपस में तो कोई एक शख्स बोलेगा तभी उसकी बात कोई सुन पाएगा, वरना दो लोग बोलेंगे तो किसी की बात जा नहीं पाती ऑन एयर, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। आलोक शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद विनोद जी आपके पास आता हूं। बोलिए आलोक जी, मुझे केवल ये बताइए नोटिस किसने निकाला अतिक्रमण हटाने का नगर पालिका ने? मुनादी किसने कराई नगर पालिका ने? फोर्स किसने माली नगर पालिका? रेजोल्यूशन किसका है नगर पालिका का? आप मुझे बताइए मंदिर को तोड़ने के लिए जूते पहन के जाना जरूरी था क्या? मंदिर को तोड़ने के लिए आड़ी चलाना जरूरी था क्या? मंदिर को तोड़ने के लिए क्या मूर्तियों को खंडित करना जरूरी था क्या?
और मूर्तियों को तस्ले में भर के फेंकना जरूरी था क्या? मुनादी के बातें कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं फेंका। अगर मूर्ति किसने की अरे किसी ने भी की। मैं कहता हूँ मंदिरों का पवित्र करने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और वो अब वो राहुल गांधी वो विदेश में रहकर के दंगाइयों के लिए तो ट्वीट कर सकते हैं, मंदिर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू आस्था जुड़ी हुई है उससे, हिंदुओं की आस्था के साथ कांग्रेस ने लगातार। के शर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी एक मिनट के शर्मा जी को बोलने दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। के शर्मा जी, आलोक शर्मा जी जितनी बातें कह रहे हैं उसका लबो लुबाब ये कि आप लोग इसके लिए गुनहगार हैं अगर ये कार्रवाई हुई है, मंदिरों पर बुलडोजर चला है, आप लोगों के आदेश पर हुआ है, चूंकि वहां पर नगर पालिका में आप लोग हैं। देखिए, नगर पालिका अतिक्रमण हटाने की बात करती है ना, नगर पालिका के पास न बुलडोजर है, न नगर पालिका के पास पुलिस है, न नगर पालिका के अंदर डीएम आते हैं, न नगर पालिका के अंदर विकासखंड अधिकारी आते हैं, ये लोग वहां उपस्थित होकर कराते हैं। नगर पालिका ने ये तो पारित नहीं किया कि मंदिर के ऊपर जो है बुलडोजर चढ़ा दो, नगर पालिका ने ये तो नहीं कहा कि मूर्तियों को आरी से काटो, न मूर्तियों को अंग भंग करो, ये लिखा है क्या? ये करने वाले करवाने वाले डीएम और वहां के एसपी और पुलिस है ना, और वहां के उसके पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं, तो उन लोग किसके अंदर आते हैं? वो तो सब राजस्थान सरकार के अंतर्गत है, लेकिन मतलब सबने मिलकर किया है, इसका मतलब सबने मिलकर किया। ये आप कहना चाह रहे हैं कि नगर पालिका में आप लोग हैं, आप लोगों ने आदेश दिया और आदेश का पालन करवा दिया राज्य सरकार ने, मतलब सबने मिलकर किया। नगर निगम सुन लीजिए, नगर निगम ने तो बकायदा ये भी पारित करके दिया कि मंदिर को बचाने के लिए सड़क को 30 मीटर कर दिया जाए, 60 मीटर 60 फुट की जगह 30 फुट किया जाए। ये अब चूंकि वक्त मेरे पास इतना ही है, बीच में आप लोगों को रोक रहा हूँ। के शर्मा जी, विनोद बंसल जी, आलोक शर्मा जी और शोएब जमाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए बदला लेने के लिए वहां मंदिरों पर बुलडोजर चले। कांग्रेस कह रही है कि नगर पालिका में आप हैं तो आप जाने। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के आगे बुलडोजर पर शुरू हुई तीखी राजनीति कैसे अब अरवल में टूटे हुए मंदिरों तक गूंज रही है, आप देखिए मेरे सहयोगी नीरज पांडे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मंदिर अलवर में टूटा तो दिल्ली में कोहराम मच गया। बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया कि कांग्रेस राज में यही सब होता है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सबके हृदय के ऊपर प्रहार है। अब आप दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चलिए, जहां हिंसा के बाद वहां की जामा मस्जिद से सटा अतिक्रमण हटाया गया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई थी। बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर संविधान तक की दुहाई दे दी गई थी। जो कुछ हुआ ये बिल्कुल शर्मनाक है। प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। हमारे देश की इमेज क्या होगा, हमारी लोकतंत्रता की इमेज क्या होगा दुनिया की आंखों में? संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं। केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। जब मस्जिद के आगे का अतिक्रमण हटाया गया तो कांग्रेस खफा, जब अलवर में सड़क चौड़ी करने के लिए मंदिर टूटे तो बीजेपी गुस्से में। सवाल मंदिर का था और मंदिर गिराने का हथियार वही था जिसे कांग्रेस संविधान विरोधी बता रही है, यानी बुलडोजर। इस बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स में बीजेपी ने पलटवार किया तो कांग्रेस कह रही है कि सब तो कराया धराया बीजेपी का है। उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। दरअसल राजगढ़ की नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस की दलील है कि मास्टर प्लान को लागू करने के लिए अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव नगर पालिका में पास हुआ और कार्रवाई भी उसके इशारे पर ही की गई। जिला कलेक्टर की तरफ से जारी बयान में इस बात की तस्दीक की गई है। कांग्रेस ने बॉल बीजेपी के कोर्ट में डाल दी तो बीजेपी भी नई थ्योरी के साथ सामने आ गई। बीजेपी का आरोप है कि यह सारी कार्रवाई कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा की साजिश है। उन्होंने दुकानदारों को ब्लैकमेल किया और कहा कि सभी जो भाजपा के पार्षद हैं वो कांग्रेस के पाले में लाएं और कांग्रेस का बोर्ड बनाएं।
उनके मन चाहा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए, तब जाकर वो दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई रुकवाएंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जौहरीलाल मीणा का वीडियो भी दिखाया। आज से मेरा नॉमिनेट पार्षद है, मैंने मुसौद में कहा था कि तुम चौथी पार्षद को ले आओ, फैसला चौथी पार्षद ने किया, न कि मेरे एक पार्षद। हमारी मांग है इसके अंदर जिन अधिकारियों ने कटर से 307 करोड़ सिग्नल को तोड़ा है, केंद्र समाज के मंदिर को तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना भारतीय जनता पार्टी वोट आने के पश्चात आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी। और मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबा में झांक के देखें तो उनके सरपरस्ती के अंदर राजस्थान के अंदर किस प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव छिन्न हो गया है। टूटे हुए मंदिर के पुजारी ने भी कांग्रेस विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। मंदिर पर चलने वाला बुलडोजर बीजेपी का था या कांग्रेस का, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन राजस्थान में अगले साल चुनाव है, लिहाजा आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर सियासत जल्दी थमने वाली नहीं है। अलवर से नीरज पांडे की रिपोर्ट। जरा गौर कीजिए, पिछले कुछ दिनों में देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़े हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर हमले हुए, धर्म के नाम पर देश में नफरत बहुत तेजी के साथ फैल रही है। चिंता की बात यह, इस नफरत को रोकने की बजाय कुछ लोग अपने जहरीले बोल से इस आग में और भी घी डालने का काम कर रहे हैं। कोई खून की नदियां बहाने की बात करता है, कोई महाभारत की धौंस दिखा रहा है। देखिए, देश धधक रहा है, हिंसा की घटनाओं ने त्योहारों के मौसम की खुशियों में जहर घोल दिया है, लेकिन सवाल ये कि इसको हवा कौन दे रहा है। इसे हवा दे रहे हैं जहरीले बोल। बयान नंबर एक, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है। बयान नंबर दो, हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। बयान नंबर तीन, नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। बयान नंबर चार, जो तलवारें और डंडे और तमंचे और बंदूकें लेकर आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मस्जिद में जो रोजा खोलने के लिए अजान के इंतजार में बैठे हुए थे दिन भर के भूखे प्यासे, उन लोगों पर कार्रवाई की गई। गरीबों के पास पत्थर के अलावा क्या है, उनको पत्थरबाज कहोगे और तलवारबाजों को तमंचेबाजों को समर्थन करोगे, उनकी पुष्टपनाही करोगे, ये अन्याय किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। यह है बरेली के मौलाना तौकीर रजा, खुद को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, लेकिन जरा इनके बयानों पर गौर कीजिए, इसमें चेतावनी भी है, धमकी भी। मौलाना साहब का ये गुस्सा जहांगीरपुरी हिंसा और उसके बाद मस्जिद पर चले बुलडोजर को लेकर था, लेकिन नफरत के इस माहौल में उन्होंने मुस्लिम समाज से सब्र रखने की अपील करने की बजाय आग में घी डालने का काम किया। हिंदुस्तान चूँकि एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर कुछ अराजक तत्व इस देश के को संविधान से हटा करके चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें ये कहने से के बजाय जो हालात चल रहे हैं इसमें जब चारों तरफ आग लगी है तो इसमें पानी डालने के लिए हमें तदबीर सोचनी चाहिए, ना कि हम उस आग में मजीद घी डालने का काम करें। ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है। ये अब साबित हो गया है इन लोगों के बयान से कि मुर्तजा इन लोगों के ओ में था और मुर्तजा के तार भी इन लोगों से जुड़े थे और इनके तार पाकिस्तान के अकाओं से ISIS से जुड़े हुए थे। ये जो बयान दे रहे हैं इसको हल्के में न लिया जाए। ये जब बाहर इस तरह के बयान मीडिया में इस तरह से सरेआम बयान दे दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अंदर में जहाँ पे जिहादी मानसिकता के ये लोग हैं वो वहाँ पे जो बच्चे होते होंगे उनको कैसे उनको कन्विंस करते होंगे। तौकीर रजा अकेले नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो एक कदम और आगे बढ़ गए। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने संभल की जामा मस्जिद के अंदर शिव मंदिर होने की बात कही थी, बस इसे लेकर ही बर्क साहब भड़क गए।
मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरमन रखने के लिए जो जाम मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। नफरत भरे ऐसे बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी एक पाले में नजर आ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस संभल संभल कर बोल रही है। कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर जब जनादेश में पिटते हैं तो दंगों में पंगों में जुट जाते हैं। उनके लिए जो है वो पैनिक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना और उसके जरिए जो है वो समाज के माहौल को ख़राब करना, इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। जो लोग इस तरह की एक के बाद एक भड़काऊ बातें कर रहे हैं, लोगों को प्रवोक करने वाली बातें कर रहे हैं, समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो उसी समाज का नुकसान सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। आप उस समाज को किस रास्ते पर ले जाने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं? कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे ये कहना है कि इस देश को बांटने वाली कोई शक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। आप दो चार दस पंद्रह बीस लोगों को इकट्ठा करके और उनको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमारी देश की आत्मा को आप कहीं से खंडित कर सकें, बीच में दरार डाल सके, ऐसा हमारा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, नफरत की आग ऐसे ही फैलाई जाती है। हजारों साल पहले औरंगजेब ने यही काम किया था, लेकिन तब गुरु तेग बहादुर जैसे योद्धा उनके सामने खड़े हो गए थे। शहादत देकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति और आस्था की कुर्बानी नहीं होने दी थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी शिद्दत से याद किया। हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंदी चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। अमन और प्यार भारत के डीएनए में है। यहाँ हर धर्म के लोग बरसों से मोहब्बत से रहते आए हैं। हमारी संस्कृति ने हर धर्म और उसकी आस्था को अपनाया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश बार बार हुई, लेकिन वो तब भी कामयाब नहीं हुई और अब भी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।